बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर दे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह शाम के 5 बज चुके हैं और मैं बाहर आया जी खेतों में वीडियो अपलोड करने। तो मैंने जी 7 वीडियो अपलोड कर दिया। और आप लोग जी आज का मौसम चेक करो, सूरज अभी भी छुपा हुआ जी बादल में। और ये जी जो आज के दिन चल रहे हैं, कोई पता नहीं चलता कि कब बारिश आनी है और कब जी धूप आ जानी है। और इधर जी लोगों ने अपने खेत वगैरह खोदने जी शुरू कर दिए है, क्योंकि आगे ना मूंजी लगानी है। तो खेत ना जी बहुत ही सख्त हो गए थे, तो अपना हल चला रहे हैं भाई साहब ताकि नरम हो जाए वो। उधर भी जी आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टर अभी भी लगा हुआ है। चल मानी लाश आ रही यार, अजी है मारी शाट मती लगी है यार। और वो सामने जी हमारा भाई आ गया जी बकरियाँ लेकर बाहर, बकरियाँ चराने के लिए। और इधर भी लोगों ने अपने जानवर वगैरह जी छोड़े हुए हैं बाहर खेत में चरने के लिए। और इधर जी अल्हम्दुलिल्लाह इस खेत में जी भाई ने कद्दू शरीफ की ना फसल लगाई हुई थी। तो पिछले दिनों में जी बहुत ज़्यादा बारिश आई है, वहाँ अभी आपको दिखाता हूँ कि उन बेलों का क्या हाल हुआ जी। ये देखो जी बहुत ही नुकसान हो गया भाई का, सिर्फ ना ये टंडल वगैरह ही रह गया, बाकी जो पत्ते वगैरह थे ना वो सारे खराब हो गया। ये आप देख सकते हैं कि बेले ना सारी ख़राब हो गई है। इधर सारे चेक करो जी, ये देखो कैसे बर्बाद हो गया बारिश की वजह से जी। अगर अकेली बारिश होती तो खैर इतना नुकसान नहीं होना था, लेकिन बारिश के साथ साथ जी एन भी बहुत ज़्यादा आई थी। और इधर जी पालक भी देख सकते हैं, ये भी ना ख़राब हो गया। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि इस खेत में ना मैंने मूंजी लगानी है जी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अब नहीं होनी। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट डे रात की ना बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी और अभी भी जी बारिश आ रही है। ये देखो जी सारा गढ़ हमारा जी गीला हो गया बारिश की वजह से। बारिश के साथ साथ जी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। बारिश जब भी स्लो हो गई है लेकिन हवा अभी भी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और बादल फिट हो गए जी, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह जी दोपहर का 1 बज चुका, सुबह की बारिश लगी हुई थी तो मैं सो गया था, अभी उठाऊँ और पहुँचेगा जी हवेली में। इधर जी अपनी गांव वगैरह को जी चारा डाल दिया। इन दिनों में जी चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखो जी इधर मैं अभी सिटी से लेकर आया जी 500 रुपये का चारा जानवर को डालने के लिए, तो ये इतना सा आया जी। और अपनी गाँव को डाल दिया, अभी मस्त होकर जी खा रही है। और हमारी हवेली के पास ये जो हवेली है ना, इधर भी भाई उन्होंने चारा डाला हुआ, आप देख सकते हैं कि ये बारिश की वजह से ना चारा गीला हो गया। और तूड़ी में जी कतावा करके डाला जानवर को, चरी वगैरह डाली थी लेकिन वो गीली होगी तो इन्होंने नहीं खाई है। देखो जी तो अभी कतावा किया हुआ जी तूड़ी का। अभी जी मैं जा रहा हूँ दादा जान के पास खेत में, उधर ना थोड़ी सी लकड़ियाँ थी तो वो जी लेने जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं जी बाइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी बालन वगैरह मैं दादा जान से लेकर तो जा रहा जी अभी घर की तरफ। ये जी आगे लकड़ियाँ दो गठे तो वो मैं जी बाइक पर ले आया हूँ। अभी जी शाम के लिए बनाई जा रही है जी रोटियाँ, बारिश जी फिर आ गई है तो बारिश से बचने के लिए जी ऊपर ये छापर वगैरह लगा दिया और नीचे जी रोटियाँ वगैरह बनाई जा रही है। ये देखो जी छापर लगा दिया ऊपर। बारिश में ही जी बच्चे खेल रहे जी गेम, ये देखो जी। ये देखो जी बारिश में भी इनको नहीं रमान, तो ये खेल रहे जी चेक करो। और बारिश चल जाओ घर नू जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ इसके खेत में, हमने जिस खेत में जी पनीरी लगानी है मुंजी लगाने के लिए, तो उस खेत में जी आज वाटर वगैरह डालनी है। तो पनीरी हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बारिशों के दिन चल रहे हैं, अभी भी धीमी धीमी बारिश आ रही है। तो जिस दिन जी बारिश रुकेगी उस दिन जी हम लोग पनीरी इंशाल्लाह लगा देंगे। तो अभी ना 1-2 वाटर डालनी है उस खेत में, तो चलते हैं जी और जाकर वाटर डालते हैं। जो 2 बूटे खाले वही वादा। और साथ भाई जी अपनी बकरियाँ भी ले आए चराने के लिए। तो इधर ये देखो जी कितना नुकसान हो गया भाई का, बारिश आई थी बहुत तेज, बर्फ के ओले आए थे, तो ये देखो जी चारा सारा खराब हो गया। तो यह लगता पे दा चेक करो वादा हों बहुत। हाँ तो है बकरिया जी बाहर खेत में चल रही है। और इस खेत में जी भाइयों ने ना प्याज वगैरह लगाया था, तो ये जी
ये देखो इतना सा प्याज निकला, और ये भाई साहब अभी जी मंडी लेकर जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जी फुली तैयार था, ये देखो। अलहमदुल्ला जी इधर हाँ अम्बियों का दरख्त, ये कमली अम्बिया, तो दोस्त अभी जी उतारने की कोशिश कर रहा है, अम्बी खाने को जी दिल कर रहा है, तो दोस्त जी अभी उतार के लेकर आएगा। ये जी पत्थर की मदद से जी उतारेगा, अजी ओए, तो उतार के भी लेकर आएगा जी लड़का जी। पत्थर की मदद से अम्बी उतारने पर जी नाकाम रहा, तो अभी ऊपर जा रहा जी, गीला दरख्त है तो इसके जी ऊपर जा रहा जी अम्बी उतारने, ये चक्कर हो जी। अभी मिनटों में जाएगा ऊपर और अम्बी लेकर आएगा जी। दरख्त किले जो डिगी ना गए, वो देखो जी किधर चला गया। अभी देखें जी वो नीचे खड़ा था, इतनी ऊपर में आ गया हूँ, ये देखें। और वो रहा आम, वो सामने ये रहा, ये देखें जी। ये देखे जी, ये रहा, ये देखो जी इसका डुक भी निकल रहा। ये ले, ओ पकड़ लिया ये देखो जी। ये जी अब चलते हैं नीचे, ये जी गया जी मैं नीचे। वो देसी छुड़ी जी हमारी, इस बोली की मदद से अब काटा जाएगा अम्ब, ये देखो जी। बहुत ही मजा आ रहा, अगर इसके साथ जी नमक होता है तो और भी मजा आ रहा। ये खट्टी मीठी अम्बी है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दोस्त ने पहले जी ये सारी वाट जी उधर तक निकाली, तो ये गलत निकाल ली, वाट जी इधर निकालनी थी, तो फिर जी इसने शुरू कर दी। ये देखो जी दौड़ा से आपा करना पड़ा, तो अभी जी फिर निकाल रहा जी वाट। ये वाट इसलिए निकाल रहा क्योंकि इधर ना पनीरी लगानी है जी, मूंजी लगाने के लिए, तो अभी जी वाट निकाल रहा जी। खेत काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जी खेत की मरम्मत शुरू हुआ, आधी बार डाल दी आधी से ज़्यादा, तो अभी जी उधर तक डालनी है। तो आज का व्लॉग जी इधर ही करते हैं ख़त्म, और मुझे कमेंट में लाजमी बताने का आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन को दबा दी, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शुक्रिया।